Yes. अक्सर लोग भांग खाते हैं। Yes. आपके यहाँ भांग के कपड़े बिक रहे हैं। Yes, जरूर, ये 100% हेम्प है। मैं साउथ कोरिया से हूँ। साउथ कोरिया से आप? आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। माई अंग्रेजी वेरी पुअर। भाई साहब, आज बनारस की ऐसी जगह पे लाया हूँ ना, ऐसी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपने कभी देखा नहीं होगा। हाँ, सही बता रहे हैं, अब तक आपने भांग खाया होगा। बाबा भोलेनाथ को बहुत पसंद है। मैं वही जगह वही स्थान पे लाया हूँ, तो बनारस की ऐसी गली में लाया हूँ। भाई साहब, घूमते टहलते पूरे भारत में मुझे लगता है कि बहुत कुछ ही दुकान पर ऐसी चीजें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर भैया भांग के कपड़े बिक रहे हैं, मैं वही देखने आया हूँ इतनी दूर से चलकर कि एक्चुअल में भांग कपड़े होते कैसे हैं। मैंने जिन जिन से पूछा भाई साहब ना, दरिया की भगावत रहन, सही बताइए ना। तो बाबू तो बहुत लतिया ही है, अगर खाई बारी आए, लेकिन हाँ पहने की बारी आए तो जरूर कह दी चला अच्छा पहन ले। मैं उसी का रिव्यू लेने आया हूँ कि एक्चुअल में क्या मैं ले सकता हूँ, क्या आप ले सकते हैं क्या। तो मैं बनारस की गलियों में आया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में बनारस में ये भांग के कपड़े इतनी ज्यादा कैसे प्रसिद्धि पा रहे हैं और होते कैसे हैं और पहनने में कैसे आता है। मैं वही सब चीजों को एक बार जरा कवर करना चाहता हूँ। चलिए अंदर लेके चलते हैं। हमने देखा आपका दुकान काफी चर्चित इसलिए हो गया है। Yes. अक्सर लोग भांग खाते हैं। Yes. आपके यहाँ भांग के कपड़े बिक रहे हैं? Yes, जरूर, ये 100% हेम्प है। अच्छा, हिमालय का। अच्छा, एक मिनट भैया दिखाइए जरा। तो 100% हेम्प है। ये 100% है? हाँ, yes. ये वेरीफाइड है? Yes. ये जितने भी कपड़े लगे हैं सब भांग के हैं? Yes, भांग के हैं। ये पहली बार मैं सुन पा रहा हूँ। Yes. जरूर, और भी आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग। अच्छा ये बताइए, एक्चुअल में बनता कैसे है ये? जैसे कि इसका खेती होता है। कहाँ पे? अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्मोड़ा तो उत्तराखंड में है? यस। अच्छा, अल्मोड़ा उत्तराखंड पे, वहाँ पे ट्री है। अच्छा, ट्री से हम लोग उसको उगाते हैं। हाँ, हाँ। फिर उसका रेसा जो निकलता है, हाँ। उसको फिर बनाते हैं, यानी कि भांग के जो पत्ते से। हाँ, हाँ। फिर उसके रेसे निकालते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पहले धागा बनते हैं। हाँ, हाँ, फिर रेसे निकालते हैं। हाँ, फिर इसको पूरे तैयार किया जाता है कपड़े। अच्छा, शरीर के लिए कहीं तो हानिकारक तो नहीं है? नो नो, एकदम नेचुरल फील होगा आपको। अच्छा, मतलब हम ये कह सकते थे जो पेटवा में ठंडा करे थे भंगवा, हाँ। उसी प्रकार से शरीर भी ठंडा करेगा? यस यस, मतलब आपको ठंडे तरीके से अच्छे से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भांग खाया जाता है भैया, वो भांग पहनने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। हाँ, सही बता रहे हैं, उसी के धागे से बना हुआ कपड़ा, और एकदम कह रहे हैं कि 100% वेरीफाइड है। Yes. अल्मोड़ा जिले से बन के आता है? Yes. बराबर। Yes. तो ये आप अल्मोड़ा जिले से लाती हैं? अल्मोड़ा उत्तराखंड फैक्ट्री है। हाँ। वहाँ से हम लोग मंगवाते हैं। अच्छा, और आप फिर वहाँ बनते हैं। अच्छा अच्छा, आप, मैं देख पा रहा हूँ वुमेन्स वगैरह का भी सब रखे हैं। Yes. लड़कियों के भी सारे गारमेंट आप रखे हुए हैं, लेडीज, तो सबके सब ये भांग के ही बने हुए हैं? 100% है, जैसे मिक्स है। अच्छा, ये 100% हेम्प है। हाँ, अच्छा, प्योर कॉटन है ये। हाँ, हाँ, हाँ। ये 100% हेम्प है। अच्छा, यस, ये अच्छा, 100% हेम्प। इन सब की क्या प्राइस होगी लगभग? ये सब की प्राइस होगी आपका 1000। 1000, यानी कि 1000 के करीब रुपए में आपको ये कपड़ा ये मिल जाएगा। मिल जाएगा, तब तो चीपेस्ट है लगभग। जैसे जैसे है कपड़ा वैसे वैसे रेट। क्या प्राइस होगी, शुरुआत क्या होगी इसकी लगभग? आपका 1900 से शुरुआत है, यानी कि 900 रुपए से शुरुआत है। 500 रुपए से शुरुआत है इसकी, और कितने ऊपर तक गई है लगभग आपके यहाँ जो रखे हुए सामान? 2500 लगभग, 2500 रुपए तक। यस, 900 रुपए लेकर 2500 रुपए तक आप सामान यहाँ रखे कपड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरे बनारस में आपकी ही एक दुकान है? मैं भाई साहब ना खोजते खोजते थक गया इस दुकान को। तो ये बताइए, आपके दिमाग में फिर कैसे आया भैया, ये सब भी थोड़ा दिखाइए। तो मेरे दिमाग में आया कि पहले यहाँ दुकान खोलते हैं। हाँ। फिर देखते हैं कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को लगा, अब अच्छा लगने लगा मेरे को भी ये बनारस गलियों में आकर। हाँ, हाँ। तो अल्मोड़ा से मैंने और लाया। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सबको अंग्रेज को और ज्यादा अच्छे लगने लगे। अच्छा, अंग्रेज भी काफी आते हैं? अच्छा, अंग्रेज भी बहुत ढेर सारे लोग आते हैं। इंडियन, बाहर के लोग ढेर। हाँ, हाँ। सारे आते रहते हैं। तो ये सब कपड़ा पहनने पे घरे वाले डटिये मरिये लतिये थे ना? नहीं नहीं, एकदम नहीं। जैसे और वो लोग को भी और पसंद आ जाए, हो सकता है आ जाए। आ जाए। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में होता गांव में भांग खा के आते तो लतियावत है। नहीं, तो भांग वाले कपड़े ले जाओ तो पता नहीं चले क्या यार लोगों को क्या रिएक्शन आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ रिएक्शन सामान्य आता है ना, लोगों को मजा आ रहा है।
भाई साहब लोगों को पहनने की बात करें मजा आ जाता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इन सब चीजों के विषय में अध्ययन करके आया तो पता चला भैया ना भांग वाला कपड़ा पूरे बनारस में सिर्फ मात्र एक दुकान बटे, हम तो कह सकते पूरे भारत में ऐसे चुनिंदा ही दुकान हुई है जहाँ भांग वाले कपड़े मिलते हैं, खासकर वही उत्तराखंड में होगा। यस, उत्तराखंड अल्मोड़ा में। उत्तराखंड अल्मोड़ा में, वहीं से आप लाते हैं? वहाँ पे से, यहाँ फैक्ट्री से आता है, यहाँ पे आता है। अच्छा अच्छा, बहुत जगह जाता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, ऋषिकेश जाती है, दिल्ली जाता है, फैक्ट्री से जो जो ऑर्डर किया, जिसको जिसको अच्छा लगा वो मंगवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मास्क वगैरह भी देख पा रहे हैं आप रखे हुए हैं? यस, 100% हैम्प है। 100% हाँ, 100% हैम्प है। अच्छा, 100%? यस, 100%। तो आप जितने भी सामान रखे हैं सबके सब भांग से हैं? यस। ये बैग वगैरह भी? हाँ, ये भी, ये हैम प्लस कॉटन है। अच्छा, हैम प्लस कॉटन, कॉटन है। यस। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या कुछ स्पेशल चीजें? ये 100% हैम पे मोबाइल। अच्छा, 100% हैम भी ये है? ये भी। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, ये सब आपकी कंपनी फैक्ट्री बनाती है? यस। तो कुछ ऑर्डर देते हैं स्पेशल की वहाँ से सिर्फ जाते हैं उठा लाते हैं? और मतलब ऑर्डर देते हैं, मतलब मेरी फैक्ट्री है तो वहाँ पे हम लोग बनवाते हैं भी, सारे लोग। अच्छा, मेरे बॉस हम। अच्छा, सारे लोग फैक्ट्री में बनवाते हैं कंपनी के तरफ। अच्छा, स्किन फ्रेंडली भी होगा? यस, स्किन फ्रेंडली मतलब कि लोगों को कहीं इचिंग तो नहीं होगा? नो नो, एकदम इन्फेक्शन नहीं होगा, एकदम नेचुरल। जैसे हम लोग कॉटन वॉटन पहन कर निकल जाते हैं बनारस में। अच्छा, सेम उसी प्रकार से? उसी प्रकार से नहीं है, ये लाख गुना आपका अच्छा पड़ेगा। सौ गुना बेहतर बतावा थे भैया। 100% है, सही बताई ना। तो भांग खाए के बाद गजब ठंडा ही आई जाता है, पता नहीं कपड़ा पहने के बाद का हुए। लेकिन जोने हिसाब से रिव्यू और अध्ययन के है पता चल लोगों को बहुत ज्यादा मजा आवत बाटे। अब ही दुकान खुला बाटे, ना ही देखी तो बड़ा हलचल रहत रहा, अंग्रेज वगैरह भी रखी है जोर जोर का आवत रहन। हम जरूर चाहिए तो उन सबकी रिव्यू ले, उम्मीद करब अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन आप सब जरूर पहुंचे भांग वाली दुकान जो कपड़ा के बाटे। हमें लागत बाटे ना कि अद्भुत दुकान है, काहे कि भैया होली के मौसम चल रहा, होली के बाहर चलते बा जे न खाए जावा लेकिन जरूर पाइने हम तो कहते हैं। लग लगा वो कपड़ा बाटे आया जरूर, उम्मीद करब लोगों को बेहद पसंद आए। विच योर कंट्री? मैं साउथ कोरिया से हूँ। साउथ कोरिया से? आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। ये कपड़े आप कैसे जाने भांग वाले? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा है। इसके कपड़े आपने कभी लिए हैं? कभी मतलब नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट बार, फर्स्ट, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। व्हेन आई से कोरियन, I know this brand. Yes. अच्छा, I know this. Yeah. My English is very poor. बड़ी गरीबी में चल रही है. You know गरीबी poor? नहीं. No. Oh my God. What are you doing now? ठीक है, अच्छा है. Review कैसा है? Review, review. Yeah, very very soft. अच्छा, and good quality. अच्छा, yeah, in a world. अच्छा, I know, but this brand is very good. अच्छा, thank you, thank you, thank you, thank you.